रिश्तों के बाजार में आजकल वही लोग पाए जाते हैं जो दिल और जुबा के सच्चे होते हैं। हम लोगों से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। कभी कभी आपकी जुबा से अनजाने में अदा किए गए अल्फाज सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ जाते हैं। दरअसल आपकी सोच ही आपका मुस्तकबिल है। मां वो तख्ती है जिसमें औलाद कुछ भी लिख सकती है, मगर मां सिर्फ मोहब्बत लिखती है। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है तब वो ठीक होने लगता है। मैंने देखा है वो लोग जो ये जिद करते हैं कि सब कुछ तकदीर में लिख दिया गया है और उसे बदल नहीं सकते, वो लोग भी रोड पार करते वक्त पहले दाएं बाएं जरूर देखते हैं। इतना मत सोचो कि वक्त गुजर जाए और तुम सोचते रह जाओ। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, आसान लफ्जों में उसे आज कहते हैं। तकलीफ और परेशानी का मतलब यह नहीं है कि खुदा आपसे नाराज है। जब खुदा किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि उसकी आजजी सुन सके। झूठ का भी एक जायना होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। कभी कभी हम गलत वक्त पे गलत लोगों के सामने रो पड़ते हैं। असल में लोग गलत नहीं होते, वो बस हमारे हक में सही नहीं होते। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त देता है और जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होते हैं। गलती की नहीं जाती बल्कि हो जाती है। जब गलती हो जाए तो उसे बखुशी कबूल कर लेना चाहिए, ना कि गलती को सही साबित करने की गलती करनी चाहिए। खया और वफा जिस औरत में हो उस औरत से बढ़कर कोई औरत खूबसूरत नहीं हो सकती। जमीर और तकदीर जिस मर्द के पास हो उससे बढ़कर कोई मर्द बेहतरीन नहीं हो सकता। उस शख्स में हरगिज दिलचस्पी ना लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। दोस्तों की परख नहीं करना, मान टूटते हैं आजमाने से। अगर कभी किसी चीज का हुरूर आने लगे तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, वहां आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। वक्त के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है, मजा तो तब आए कि वक्त बदल जाए और इंसान ना बदले। अपने आप को बदल दो, देखना तुम्हारी किस्मत खुद बदल जाएगी। हक के रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी सख्ती ये है कि इंसान तन्हा रह जाता है। मुनाफिक लोगों की एक किस्म वो भी है जो खुद को हसास जाहिर करके
आपसे हमदर्दी समेटते हैं और फिर आपके जज्बात से खेलते हैं। कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले तो कमाल करते हैं। तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वो है कि जब तुम गरीब हो जाओ तो तुमसे मोहब्बत में कमी ना करें, और जब तुम अमीर हो जाओ तो तुमसे मोहब्बत में इजाफा ना करें। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में खुदा जरूर करेगा। वाज़ोकात अपना अंदर खाली और एक कमी सी महसूस होती है, यकीन करें वो कमी किसी और की नहीं, खुदा की मोहब्बत की कमी होती है। जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज तुरु होने का पता देते हैं, बिल्कुल उसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमाया करती है। बेहतरीन सबक सीखना है तो किसी बेमुरव्वत इंसान से अच्छाई करके देख लो। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो दिल में उतर जाता है, और उस वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। अगर गुफ्तगू में नुक्ता चीनी की जगह इखलाक और प्यार की चीनी शामिल कर ली जाए तो जिंदगी बागो बहार हो जाएगी। जिस जात को राजी करने में सुकून है, हम उसे नाराज करके अपनी जिंदगियों में सुकून चाहते हैं। बदलती हुई चीजें अच्छी लगती है, पर बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ देते हैं। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखो। जिंदगी में कसम, कलम और कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। हम मोहब्बत के इस हाल में गूंगे और नफरत के इस हाल में मुफ्त लोग हैं। यकीन कीजिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हर कोई महसूस करना नहीं जानता।